दोस्तों ऐसे आप सभी ने कहीं आने या फिर कहीं जाने के लिए ओला कैब का तो इस्तेमाल जरूर किए होंगे, जो कि बहुत ही आसानी से मोबाइल फोन से ही आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब आप ओला कैब को शेड्यूल में भी बुक कर सकते हैं? यानी कि मान लीजिए अभी रात के 10 बज रहे और आपको नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में 5 बजे कहीं जाना है ओला कैब बुक करके, तो उसका बुकिंग जो है आप आज ही करके रख सकते हैं और आप अपने हिसाब से टाइमिंग्स और डेट को जो है सेट कर सकते हैं और उसी डेट के उसी टाइम पर आपके लोकेशन पर ओला कैब आपको पिकअप के लिए आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको मेरे मोबाइल फोन से आपके सामने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके ओला कैब को शेड्यूल में बुक करके दिखाता हूँ और इससे देखने के बाद आप भी ओला कैब को शेड्यूल में बुक करना सीख जाएंगे। तो कृपया करके ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ओला कैब को शेड्यूल में बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में ओला कैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अगर एक एंड्रॉइड यूजर है तो आप जो है गूगल के प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और आप अगर एक आईफोन यूजर है तो आप ऐप स्टोर से जो है ओला कैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से। तो दोनों का जो लिंक है एप्लीकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो है आईफोन है ऐप स्टोर पर जाएंगे, ऐप स्टोर पर जाने के बाद आपको सिंपली उधर सर्च करना है ओला कैब। तो ओला कैब का जो एप्लीकेशन है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों के एप्लीकेशन जो है सेम है, यानी कि आप अगर एक एंड्रॉइड यूजर है आप अगर एक आईफोन यूजर है तो दोनों का जो है जो प्रोसेस है सिस्टमेटिक बुकिंग का वो सेम प्रोसेस रहने वाले, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपको सिंपली ओला कैब लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहले आपको ओला का एप्लीकेशन दिखेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके मोबाइल में। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने जो है इसको डाउनलोड करके रखा हो, तो सिंपली इसको हम ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन किया है तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपके मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी फेसबुक अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो आप आशा नहीं कि आप मोबाइल नंबर से ही करें ताकि ओटीपी मोटीपी आपको जो मोबाइल नंबर पे मिलते रहे। तो क्या करना है, कंटिन्यू विथ फोन नंबर पर सिंपल आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में मौजूद है आपके पास है वही नंबर आप एंटर करें, वही नंबर से अकाउंट बनाए क्योंकि उसमें जो है ओटीपी आएगा। तो चलिए हमारा जो मोबाइल नंबर है हम इधर से डाल देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट ऊपर क्लिक किया हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको ई बॉक्स के अंदर डाल देना। तो चलिए ओटीपी को भी हम इसमें डाल देंगे, उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। तो ये जो है हमारा मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि हमने मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऐप है लॉगिन हो चुका है। उसके बाद इसका जो मैप है यानी कि कहाँ का ओला कैब्स का जो गाड़ी है वो आपको इधर इसका लोकेशन दिख जाएगा। उसके बाद अगर आपको ओला कैब शेड्यूल में बुक करना है तो कैसे कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए मुझे 2 दिन बाद जाना है या फिर 3 दिन बाद जाना है या फिर कल जाना है, तो अलग अलग डेट अलग अलग टाइमिंग के लिए अगर पहले से आप गाड़ी को बुक करके रखना चाहते हैं ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए उस समय, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे नॉर्मल बुकिंग में तो मैं दूसरे वीडियो में दिखाया कि किस तरह से आप ओला कैब को नॉर्मली बुकिंग कर सकते हैं, तो वो वीडियो अगर नहीं दिखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, तो आपको क्या करना है इधर सर्च डेस्टिनेशन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ग्रीन कलर का सिग्नल दिख रहा है ये जो है ये हमारा करंट लोकेशन है, यानी कि यहाँ से अगर हमें कहाँ जाना है। तो अगर आपका जो लोकेशन है ऑटोमेटिकली दिख रहा है सही है, यही लोकेशन से आपको जाना है, तो आप ऑटोमेटिकली उसका जो भी लोकेशन दिख रहा है वही लोकेशन पर रहने दीजिए। आप एक बार देख लीजिए उस पर क्लिक करके ये लोकेशन क्या है, आप अगर उसको चेंज करना चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, इधर से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप इधर से लिख के जो सर्च करके भी उसको लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो लोकेशन दिखा रहा है वही लोकेशन से हमें जाना है, इसके लिए हम इसको बैक कर देंगे। उसके बाद फिर से सर्च डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है एंटर डेस्टिनेशन यानी कि आपको कहाँ जाना है। तो मुझे अगर LTT स्टेशन जाना है लखमाना तिलक, तो हम LTT टर्मिनल जो दिख रहे हैं इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, तो उधर से आपको जहां भी जाना है उसका लोकेशन आप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वो लोकेशन को आप एग्जैक्टली सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने लोकमान्य तिलक टर्मिनल
रेलवे स्टेशन जाना है तो उसको हम इधर से क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने वहां पर क्लिक किया तो हमारे सामने काफी सारे जो है गाड़ी का लिस्ट आ चुका है, यानी कि कौन सा गाड़ी में आपको जाना है काफी सारे लिस्टेड है, जैसे बुक एनी है, कोई भी गाड़ी चलेगा, अगर ऑटो है, मिनी है, प्राइम सेडान है, तो अलग अलग गाड़ी के लिए अलग अलग कैपेसिटी से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा गाड़ी में कितना उसका प्राइस लगेगा, आपको कितना लोग जा सकते हैं, और जो भी है सामान वामान अगर रहेगा वो हिसाब से इसको चेक करके आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर शेड्यूल में बुक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, शेड्यूल में बुक करने के लिए आपको इधर एक नाव ऑप्शन दिख रहा है, आप अगर इसको कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे तो अभी आपका बुकिंग जो है हो जाएगा अभी के टाइम के लिए। अगर आपको शेड्यूल में बुक करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कौन सा गाड़ी में आपको जाना है, मान लीजिए मुझे मिनी में जाना है तो हम मिनी के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। मिनी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अगर जानना है कि गाड़ी में कितना लोग जा सकते हैं तो चेक करने के लिए आपको इधर जो हाई बटन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका डिटेल्स जो है सारे इधर से आप जो है चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं नहीं है ये डिटेल्स आप जो है इधर से चेक कर सकते हैं। तो हम इसको जो है डन कर देंगे। उसके बाद अगर हमें इसको शेड्यूल में बुक करना है यानी कि काल के लिए बुकिंग करना है तो क्या करेंगे, आपको नाव के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है इधर एक घड़ी का लोगो दिख रहा है अलार्म का, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे मुझे जो है कल के लिए जाना है, जैसे टूडे करेंगे तो अभी के लिए ये टाइम के लिए बुकिंग हो जाएगा, जो भी टाइमिंग आप सेट करेंगे आज के वो टाइम के लिए बुकिंग होगा। लेकिन मुझे अगर कल के लिए जाना है तो हम इधर से डेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम अगर आपको सेट करना है नीचे से इसको आप ऊपर से नीचे कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए 1:17 PM को जाना है संडे का दिन में 1 जनवरी, तो हम इधर से इसको डेट सिलेक्ट कर दिया, टाइमिंग भी सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कन्फर्म कर देंगे। तो जैसे ही हमने कन्फर्म किया उसके बाद आपको इधर से जो है बुक मिनी का एक ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि हमें मिनी कार को हमने बुक किया तो टोटल जो है हमें 341 रुपीज जो है देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे बुक मिनी के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बुक मिनी के ऊपर क्लिक करेंगे इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप एक बार चेक कर सकते हैं, COVID-19 का जो भी रूल्स रेगुलेशन है ये सारी चीजें आप इधर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको इधर से जो है रिमाइंड मी लेटर के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रिमाइंड मी लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आप कंफर्म लोकेशन करना है, एक बार फिर से आपको कंफर्म करना है लोकेशन को, तो आपको सिंपली कंफर्म लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि ये लोकेशन से हमें इधर जाना है तो हम कंफर्म लोकेशन कर देंगे। तो जैसे ही कंफर्म लोकेशन हमने किया तो आप देख सकते हैं कि इधर बता रहा है राइड शेड्यूल, यानी कि योर राइड हैज बीन शेड्यूल्ड, ड्राइवर डिटेल्स विल बी शेयर 10 मिनट्स बिफोर योर पिकअप टाइम, यानी कि हमारा जो राइड शेड्यूल है हमने कंफर्म कर चुका है और कल के डेट में 10 मिनट पहले हमारे पास वो गाड़ी का जो नंबर और जो ड्राइवर का डिटेल्स है फोन नंबर आपके पास आ जाएगा, आपको ये ऐप में शो होने लगेगा, उधर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ड्राइवर भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, गॉट इट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे गॉट इट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो राइड है ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है, आप इधर से भी एक बार चेक कर सकते हैं। योर राइड्स इधर पर क्लिक करेंगे, योर एड्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कल के दिन में 1:17 में हमारा जो गाड़ी है बुकिंग हो चुका है, शेड्यूल में चला गया है, तो 10 मिनट पहले हमारे पास जो है उनका डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा। तो आप इस तरह से जो है आपका ओला में शेड्यूल बुकिंग कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको अगर आपको कल का टाइमिंग है उसको चेंज करना है या फिर कैंसिल करना है तो आप नीचे कैंसिल राइड के ऊपर क्लिक करके भी ये राइड को जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ओला कैब में शेड्यूल में राइड आप जो है बुकिंग करके रख सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव रह जाता है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।